गर्ल्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाओ साइंस के परफ्यूम के बारे में। जी हाँ, मैंने ये परफ्यूम ऑर्डर करके मंगाया था, ये परफ्यूम मुझे रिसीव हो गया है। तो ये है वाओ स्किन साइंस का दून डिओडोरेंट एंड इसकी जो मैंने फ्रेग्रेंस मंगाई है दून डिओडोरेंट्स की मंगाई है। इसमें कई टाइप की फ्रेग्रेंसेज आती हैं बट पर्सनली मुझे ये वाली अच्छी लगी, मैंने रिसर्च किया इसलिए मंगाई है। अब सबसे पहले इस परफ्यूम के बारे में आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपने सुना ही होगा वाओ साइंस के बारे में, वाओ के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ कहूँगी, जब भी बात आती है परफ्यूम्स की, सेंट्स की या फिर कोई भी फ्रेग्रेंस की बात आती है, तो कोई भी फ्रेग्रेंस हमेशा ना केमिकल कंटेन करती है, उसे बहुत सारे हानिकारक ना वैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिससे स्किन में कुछ एलर्जी हो जाती है, स्किन रिलेटेड इशूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाओ साइंस ने अपना ये परफ्यूम की रेंज बनाई है, ये इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाई है, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी मतलब हार्मफुल नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। तो आइए बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग की। वो आपके लिए वाओ साइंस का डून डिओडोरेंट, ये एक परफ्यूम है जो कि यूनिसेक्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है और ये वेगन प्रोडक्ट है। बेसिकली ये नेचर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उसमें होता है पैराबेन, सल्फेट्स, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्यूलिन्स, ये सारी चीज़ें, ये केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हेडेक होने लगता है, वीकनेस होने लगती है, मतलब इरीटेशन होती है। तो ये जो वाओ साइंस ने परफ्यूम डिज़ाइन किए हैं, इन्होंने ये चीज़ ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया है। इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है, सेफ प्रोडक्ट है, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो फॉर्मेल्डिहाइड एंड नो टॉल्यूइन। तो बेसिकली ये सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं देता है। इसका रिजल्ट अगर बात करें तो इसका रिजल्ट काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, ऑल डेज की फ्रेग्रेंस बनी रहती है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, आसानी से इसे ले जा सकते हैं। ग्लास की बॉटल में आता है जिसका कैप जो है वुडन का इसका कैप होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी सी पैकेजिंग है और ये जो पैकेजिंग है बेसिकली हमारे नेचर को ख़राब नहीं कर रही है। इसका जो कवर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, कांच की बॉटल है, ऊपर से इसमें वुडन कैप लगा हुआ है। इसका परचेजिंग लिंक और कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी और साथ ही साथ ये बताती हूँ, ये जो बॉटल है ये पूरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग में आती है, मतलब ये काफ़ी नेचर फ्रेंडली है। इसकी पैकेजिंग ऐसी है, ये थोड़ा कार्डबोर्ड का बना हुआ बॉक्स है जो कि काफ़ी अच्छा है एंड मतलब ये ईजी टू डिकम्पोज है। और अगर बात करें ग्लास बॉटल की तो इसके ऊपर जो कैप लगी हुई है ये भी वुडन है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हमारे नेचर को भी ख़राब नहीं कर रहा है। और ये जो पूरी बॉटल है ये 100 ml की क्वांटिटी के अंदर आती है। और अगर बात करें इसकी फ्रेग्रेंस कितनी देर तक चलती है, तो जी हाँ, मतलब आप सुबह लगा लीजिए आपकी 24 hours तक स्टे करती है, वाकई में स्टे करती, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और जब भी इसको हम अप्लाई करते हैं ना तो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि हम मतलब प्लांट्स के साथ जुड़े हुए हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील करती है, एकदम फ्रेशनेस बनी रहती है। तो समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हमको हाइड्रेटिंग और फ्रेश फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसे कहीं भी से आसानी से कैरी करके लेके जा सकते हैं। करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बेसिकली दून वैली में जो देवदार के पेड़ होते हैं, जायफल के या वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, उनसे काफ़ी कनेक्ट करती है। मतलब इसको यूज़ करने पे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, फ्रेश फील करवाती है और साथ ही साथ इसको लगाते समय ऐसा फील होता है कि हम दून वैली में ही हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी स्वीट सी फ्रेग्रेंस है इसकी, इसको डेली लाइफ में यूज़ करके ऐसा ही फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है। तो आइए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसको आपको ना अपने पल्स पॉइंट पे अप्लाई करना होता है। अगर बात करूं तो आप इसको ना 12 इंचेस की दूरी से अप्लाई कीजिए, डायरेक्टली एकदम पास में ना अप्लाई कीजिए इस तरह से, और अपने यहाँ हैंड पे अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप दोनों हैंड को रब कर लीजिए हल्का सा, और बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, बहुत ही लाइट रब करना है 2 बार, दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। और ये वाली फ्रेग्रेंस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और बात करें इसकी शेल्फ लाइफ की, तो 36 months की आपको शेल्फ लाइफ मिलती है इस परफ्यूम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मतलब एक बात करें ना कि क्लासी प्रोडक्ट ही, तो जी हाँ, ये क्लासी प्रोडक्ट है, इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मेरी तरफ से ये 5 on 5 है, तो बस ट्राई दिस, परचेजिंग लिंक वगैरह सर नीचे लगा देती हूँ। गर्ल्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।